हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए सुंदर सा हाउस बनाएंगे। दो कलर लिए हैं मैंने। सबसे पहले मैं ब्राउन कलर से चैन बनाऊंगी। ऐसे घुमाएंगे क्रोशिए को, ये नोट लग जाएगा। एक चैन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। मैं 51 चैन डाल लेती हूँ, चार फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 51 अपनी चैन ले ली है। क्रोशिया मुझे दोबारा ऐसे धागा ऊपर रखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरफ से। ये मेरी छठी चैन है, इसमें मुझे ऐसे अपना डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में मुझे दो की चैन लेनी है। एक, दो, तीसरी में मुझे अपना ये ऐसे डबल लूप उठाएंगे, तीसरी में अपना मुझे ये डबल क्रोशिया बनाना है। ज़्यादा भी नहीं खींचना और ज़्यादा मुझे ये छोटा भी नहीं रखना। सॉरी, देखिए, एक, दो मैंने चैन ले ली है। एक, दो, ये तीसरी लूप में मुझे अपना ये डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार धागा निकालेंगे, फिर दोबारा दो की चैन लूँगी। एक, दो, ये तीसरी लूप में ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है मुझे। मेरी क्रोशिया में तीन फंदे हो जाते हैं, पहले दो निकालूंगी, उसके बाद में फिर दो निकालूंगी। एक, दो की चैन लूंगी। एक, दो, ये तीसरी लूप में अपना दोबारा मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पूरी चैन में इसी तरह आपको भर के फिर दिखाती हूँ। बीच में हम दो की चैन ले रहे हैं। एक, दो, तीसरी चैन में मैं अपना डबल क्रोशिया ऐसे बना रही हूँ, ऐसे खींच के धागे को। एक बार बना देंगे, फिर दो फंदे बन गए, फिर दोबारा बना लेंगे। ठीक है, ये पूरी चैन में आपको इसी तरह भर के फिर दिखाती हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे करके अपनी पूरी चैन भर ली है। 51 मेरे कम रह गया था, मैंने 12 अपनी ये चैन और बना के यहाँ से थोड़ा बढ़ा लिया है। मेरी छोटी रह गई थी, यानी कि मेरे हो गए 63 चैन बन गई। ठीक है, 63 चैन के ऊपर मैंने रिपीट किया है। इसको मैं अब यहीं पे छोड़ूंगी। एक चैन ले ली मैंने, देखिए मैंने इस तरफ दोबारा धागा बांध के इसको बड़ा किया है। दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पांच चैन बना के मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब मुझे अपना सेकंड कलर चाहिए। देखिए, सेकंड कलर भी मैं उसी तरह शुरू करूँगी। ऐसे ऊपर राउंड घुमा के क्रोशिया ऐसे नोट लगा लूँगी। मैं एक लंबी चैन बनाऊँगी इसकी, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। इसको हम गिनेंगे नहीं, अंदर डालने के बाद ही इसको हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लंबी चैन बनाऊँगी मैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हम जो हमने पहले बनाया है डिज़ाइन, उसके अंदर डाल के हमें इसको सेट करना है। बस इसी तरह लंबी चैन बनाते जाना है। ठीक है, अगर कम रहेगी तो फिर बना लेंगे। देखिए, अब ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया है, इस तरह मैंने अपना बनाना छोड़ा है। इसी तरफ से मैं इसको ऐसे अंदर क्रोशिया डालूंगी, इस तरफ से डाल लेते हैं। मुझे अंदर लेके आनी है, ऐसे एक दबाऊंगी, एक उठाऊंगी। लास्ट में ऐसे ये मैं अंदर लेके जाऊंगी, चाहे आप एक दबा एक उठा के अंदर ले जाइए। ठीक है, इस तरफ लेके आई हूँ मैं। देखिए, मैंने बनाना इस तरफ छोड़ा है अपना, दोनों धागे मेरे अब इस तरफ हैं। जब मुझे इस तरफ मैं इसको छोड़ूंगी तो कम से कम मेरी ये इस तरफ 6 ऐसे चैन होनी चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। ठीक है, 6 चैने मेरी बाहर होनी चाहिए। ऐसे उंगली रख के भी देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, ऐसे इसको सेट कर लेंगे। ज़्यादा कसना नहीं है हमें ये। ठीक है, देखिए हमारी कम रह गई है। अब बाकी चैन में इस तरफ बना लूँगी हमें। एक सार हमें ऐसे खींचना है इसको।
देखिए मेरी अब पूरी है अंदर। अब इसके बाद एक दो तीन, यहाँ से मैं जहाँ पे मेरी एकदम पूरी हो जाएगी, अभी भी पूरी नहीं है ये, यहाँ से मैं अपने एक दो तीन चार पाँच ऐसे बना के छोड़ दूँगी। अच्छा से इसमें कोई बल नहीं पड़ना चाहिए हमारा। अब मैं एक मिनट फ्रेंड्स, अब मैं ये वाला कलर अपना ऐसे पकड़ लूँगी आगे, यही कलर मुझे बनाना है अब येलो कलर। सबसे पहले तो हमें अपनी ये चैन सेट करनी है, इसमें झोल नहीं पड़ना चाहिए और ना ही ज़्यादा खींची होनी चाहिए, इतनी मेरी इस तरफ बाहर रहनी चाहिए चैन, ठीक है। अब देखिए मैंने पांच चैन ले ली हैं, पांच चैन लेने के बाद धागा ऐसे मुझे ऊपर रखना है, ये मेरा सीधी तरफ है और ये मेरा उल्टी तरफ है, ठीक है। ऐसे धागा ऊपर रख के इस हॉल में मुझे ऐसे येलो चैन के ऊपर से उठाना है, येलो चैन को ऐसे डबल क्रोशिया नॉर्मल बना देना है। दो मुझे बीच में चैन रखनी है, ये दो चैन हर बार बीच में रहेगी, एक स्किप करेंगे आगे वाली में, फिर यहाँ से येलो धागे के ऊपर मुझे अपना येलो ऐसे काम करना है, डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो की चैन लूँगी मैं। अब एक ये छूट गया मेरा, एक इसके पीछे है और एक इस तरफ से, ये तीन चैनें मुझे छोड़नी हैं, तीसरी के ऊपर मुझे ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में दो चैन रखनी है, एक स्किप करना है, एक के ऊपर मुझे डबल क्रोशिया बनाना है, दो बीच में चैन लेनी है, ऐसे खींचते रहिए साथ में इस जंजीर को। एक दो चैन लेंगे, एक छोड़ूंगी, एक के ऊपर ऐसे बनाऊंगी, एक बीच में मैं स्किप कर रही हूँ अपना, एक एक दो, ये तीसरी के ऊपर मुझे ऐसे बनाना है, एक दो, दो स्किप कर रही हूँ सॉरी, तीसरी के ऊपर मैं ऐसे बना रही हूँ, एक दो, ऐसे इस तरफ खींच लेंगे ऐसे जंजीर को, इसके ऊपर बनाएंगे, दो की चैन है बीच में, एक स्किप करूंगी, एक के ऊपर ऐसे बनाऊंगी। अब इस तरफ से एक दो तीन स्किप करने हैं मुझे, तीसरी के ऊपर बनाना है, ये चैन साथ में ऐसे खींचते रहिए, येलो कलर की है जो, ये दो चैन, अब एक छोड़ के एक पे बनाना है, और जब हमारा ये ब्राउन कलर आ जाता है तो एक मुझे इस तरफ छोड़ना है, एक ब्राउन के पीछे आ जाएगा, एक मुझे इस तरफ छोड़ना है, दो चैन एक स्किप करके बीच में, ये पूरा यहाँ तक ऐसे ही बना के दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए हमने इसीलिए इसको फालतू रखा था इस तरफ, ताकि हमारी ये अंदर ना चली जाए चैन। देखिए ये वाला डिज़ाइन मेरा आता जाएगा, ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक ऐसे ही बना लिया है, लास्ट पे आ गई हूँ, दो की चैन लेके यहाँ पे एक बना के छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये जो हमारी चैन फालतू है हम इसको बाद में कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एक लंबी चैन बनाऊँगी, लास्ट पे हमने ये लंबी चैन बनानी है, इसको छोड़ देंगे फिर बना लेंगे। अब हम सेकंड कलर अपना बनाएंगे, देखिए सेकंड कलर मेरा इस तरफ है, मैंने पांच की चैन लेके छोड़ा था अपना सेकंड कलर। अब देखिए ऐसे सीधा करके सबसे पहले मुझे पीछे से ये जो मेरा डबल क्रोशिया है पीछे की तरफ पहले के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे मुझे डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो मुझे चैन रखनी है, हर बार दो की लेंगे। अब ये इसके बीच हो गया, अब दूसरा ये इसके बीच वाला है, अब दूसरा हम यहाँ से बनाएंगे सामने से,
ये हमारे पीछे डबल क्रोशे हैं, पीछे वाला मैं पीछे से ही बनाऊंगी डबल क्रोशिया। ऐसे दिख रहे हैं हमें, एक अंदर है एक बाहर है, जो पीछे है वो पीछे से बनेगा, जो बाहर वाला है वो ऐसे बाहर से बनाऊंगी। यहाँ से येलो को नहीं छेड़ेंगे, येलो हमारा बीच में आ जाएगा, येलो के ऊपर क्रॉस करके ऐसे बना लेना है। दो की चैन लूँगी। अब हमारे ये पीछे है डबल क्रोशिया, इसको मैं पीछे से बनाऊँगी, इसके ऊपर ही बना रहे हैं। देखिए जो ब्राउन कलर का पीछे डबल क्रोशिया है, दो की चैन, उसके ऊपर ही मैंने बनाया है। अब ये सामने है, इसको सामने से बनाएंगे, येलो के नीचे से ऐसे ऐसी लूप उठा लेंगे, मोटी सी लूप उठाइए, इसको ऐसे बना दूंगी। एक मेरा पीछे से बनेगा, बीच में दो की चैन आएगी, जो पीछे है वो पीछे से ही बनेगा। ये पीछे है देखिए डबल क्रोशिया, ये पीछे से ही बनेगा ऐसे। दो की चैन, आगे वाला अंदर है क्रोशिया, ये ऐसे सामने से बनेगा, येलो के नीचे से और ऐसे। ठीक है, मेरा कुछ ऐसे डिज़ाइन आएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है ये बनने के बाद, इसलिए मैंने हाउस बनाने की सोची है ऐसे गोपाल जी का। ये पीछे से हैं, ये पीछे से बनेगा, दो की चैन आएगी हर बार, ये सामने है, इसको हम ऐसे नीचे से बना उठा लेंगे। दो की चैन लूँगी, जो पीछे से है वो पीछे से बनेगा। ये पूरा मैं इसी तरह आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। दो की चैन आएगी हमारी, ये देखिए अंदर है हमारा, ये अंदर से बनेगा ऐसे, बस हमें यही ध्यान रखना है। बीच में दो की चैन लेनी है, पीछे वाला पीछे से बनाएंगे, आगे वाला आगे से बनाएंगे। ये देखिए सामने का लूप है और ये पीछे का है, पीछे जो है वो पीछे से ही बन रहा है, ये जो अंदर है वही सामने से बन रहा है, ठीक है। ये पूरा मैं आपको यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन बन गया है, पहली एक बार डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए लास्ट में मैंने बना लिया है एक एक पीछे से एक आगे से। अब मैं इसको पाँच चैन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच चैन लेके धागा लंबा करके इसको मैं छोड़ दूँगी यहीं पे, ठीक है। अब जो मैंने जंजीरी बनाते बनाते छोड़ी थी उसको लंबी जंजीरी बनाएंगे। एक मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद अपनी चैन बनाना शुरू कर लिया है, काफ़ी लंबी बनेगी ये, हम दूसरी तरफ लेके आनी है हमें ये ऐसे ही लंबी बना के, अगर कम रह जाएगी तो और बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी कितने चाहिए हमें, ये उस हिसाब से बनाएंगे हम। देखिए हमें इतनी लंबी चाहिए हमारी, ये दूसरी तरफ आराम से आनी चाहिए, थोड़ी बड़ी करके छोड़ेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उधेड़ लेंगे बाद में, कम रहेगी तो बना लेंगे, ठीक है। देखिए हमें इतनी लंबी इस तरफ चाहिए। अब मैं इसको धागा लंबा करके छोड़ दूँगी, इस तरफ से फिर उठा लूँगी इसको अपने काम को। मेरा ये ब्राउन कलर इस तरफ है, पाँच की चैन लेके छोड़ा था मैंने। अब देखिए ये चैन हमें ऐसे आगे करनी है, पीछे की तरफ ऐसे क्रोशिया ऊपर रखना है, ऐसे लेके आऊँगी मैं, हमारी ये ऐसे आएगी चैन, हमें देख के घुमानी है अपनी चैन, ठीक है। एक डबल क्रोशिया तो है हमारा बना हुआ, इसके ऊपर हमें ऐसे बनाना है। अपनी चैन को मैंने पीछे कर दिया है, दो की चैन लूँगी। अब मैं चैन को फिर इस तरफ लेके आऊँगी, ये हमारा इसी तरह सीधा दिखना चाहिए उल्टी तरफ से, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। ये जो है इसी तरह सीधा आएगा, ऐसे अंदर लेके आऊँगी चैन को, इसके ऊपर बना दूँगी डबल क्रोशिया जो आगे है, फिर चैन को वापस कर दूँगी, दो की चैन ले लूँगी, अब इसके ऊपर बनाऊँगी, वापस लेके आऊँगी इस तरफ, ऐसे कर दूँगी, दो की चैन लूँगी, इसके ऊपर बनाऊँगी। एक बार मैं पीछे से बना रही हूँ, दो की चैन, ये चैन पीछे करेंगे, और एक बार मैं सामने से बना रही हूँ, जो पीछे से है वो पीछे से बन रहा है। हम चैन इस तरफ घुमा देते हैं, ठीक है, हमारा उल्टी तरफ ये वाला डिज़ाइन आएगा। ये इसके ऊपर हमारी चैन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे ही आनी चाहिए, ये हमारा उल्टी तरफ से ऐसे सीधा ही दिखना चाहिए हमें, ठीक है। अब दो की चैन लूँगी मैं, ऐसे सामने लेके आऊँगी,
ये वाला बना दूंगी। जो ये वाला बना रही हूँ ये मुझे सामने से सीधा दिखेगा। देखिए मैं दो की चैन लेके छोड़ रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए हमारा इसके ऊपर चैन क्रोसनी होनी चाहिए सामने से, हमें ये ऐसे सीधे दिखने चाहिए। उल्टी तरफ से जो हमारा दिख रहा है उसके ऊपर क्रोसनी होनी चाहिए हमारी चैन, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, दोनों तरफ हमें ये देखना है, इसके ऊपर क्रोसनी होनी चाहिए सामने से जो शुरू से हमारा सीधा है, और उल्टी तरफ से इसके ऊपर क्रोसनी होनी चाहिए। दो की चैन लेके छोड़ दिया था मैंने अपना काम, अब ऐसे घुमा लूँगी दो की चैन, दोबारा फिर लेके आऊँगी चैन को अंदर। जब हम अंदर आते हैं तो सामने डिज़ाइन बनता है। दो की चैन ऐसे करेंगे तो हमारा ये पीछे से सही आएगा, हमें सामने भी देखना है अपना सीधा करके कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत आसान डिज़ाइन है लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको, और कई बार तो वीडियो रिपीट करके दोबारा पीछे करके देखनी पड़ती है, तो आप उस हिसाब से ध्यान से देखिएगा। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। देखिए मैंने लंबी चैन बना के छोड़ी थी, दोनों तरफ मैं ऐसे चैन को क्रॉस करके बना रही हूँ। लास्ट तक बना के आपको फिर दिखाती हूँ, बीच में दो की चैन ज़रूर लेनी है हमें। देखिए हमें पता चल जाता है जब हम क्रॉस करेंगे कि हमारा इसके ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए जो पीछे से दिख रहा है, और सामने से ही हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही आएगा। देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ, चैन अपनी तरफ रख के ये लास्ट वाले स्टिच के ऊपर ऐसे बनाना है हमें। एक दो तीन चार पाँच की चैन लेके अगर लंबा करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, देखिए सामने हमारा ऐसा कुछ डिज़ाइन है। अब मैं अपना येलो कलर ले लूँगी, येलो कलर ऐसे रख के हमें चैन को ढीला करना है। देखना है कि हमारी चैन ज़्यादा ढीली है तो ऐसा थोड़ा सा खींच लीजिए, अगर खींची हुई है तो उसको ढीला कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ऐसे हाथ रखेंगे, एकदम पीछे हम देख लिए हमारी चैन बिल्कुल एकदम सही आ रही है, ऐसे हाथ रखेंगे, इसको ऐसे उधेड़ूँगी मैं, फालतू है ये। यहाँ से मैं अपनी पाँच चैन लूँगी, ऐसे अंगूठा रख के यहाँ से मुझे अपनी पाँच चैन लेनी है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच चैन लेने के बाद फिर मुझे पहले वाला ये वाला डिज़ाइन उसी तरह रिपीट करना है। ऐसे उठा के एक डबल क्रोशिया, दो की चैन, एक छोड़ के आगे वाली में दो की चैन, बीच में एक डबल क्रोशिया, दो की चैन। अब एक दो इस तरफ से, एक दो तीसरी में ऐसे आएगा, तीन छोड़ के दो की चैन, बीच में एक स्किप होगा, यहाँ पे आ जाएगा दो की चैन। इस चैन को हम ऐसे खींचते रहेंगे, एक सार करते रहेंगे, एक दो इस तरफ से तीसरी में बनता है हमारा ये, दो की चैन इस तरफ से एक स्किप करके दूसरी में बन जाता है। जैसे हमने पहले डाला था सेम वही सिलाई रिपीट होगी हमारी ये। ठीक है, देखिए हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन बनेगा। लास्ट पे आके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी इस तरह कंप्लीट कर ली अपनी सिलाई, दो की चैन लेके मुझे देखिए लास्ट में मैंने बना लिया है, इसके ऊपर ही बनाऊंगी मैं ऐसे बना के, एक दो तीन चार पाँच की चैन लेके इसको छोड़ दूंगी। ठीक है, ऐसे धागा लंबा करके छोड़ेंगे और वापस जाऊंगी। मेरा दूसरा धागा इस तरफ है ब्राउन कलर का, जैसे हमने येलो के बाद निकाली थी, पाँच की मैंने चैन ली हुई है। जो मेरा पीछे फंदा है, देखिए एक हमारा पीछे फंदा, एक आगे है, एक पीछे है, एक आगे है, जो पीछे से है वो पीछे से ही बनेगा। सबसे पहले पाँच की चैन लूँगी, उसके बाद दो की चैन आएगी, बस इसको पीछे कर दूँगी, ये फंदा मेरा आगे से बनेगा, इसको आगे से बनाऊँगी। दो की चैन, अब ये पीछे आ गया, ऐसे येलो सामने करके इसको पीछे से बना दूँगी। दो की चैन, अभी आगे आ गया येलो, ऐसे करके पीछे इसे ऐसे उठा लूँगी सामने से,
येलो को नहीं छेड़ना, येलो को पीछे करके अभी ये वाला बना दूंगी मैं, ठीक है। दो की चैन, ये पीछे से उठेगा, सेम उसी तरह रिपीट होगा हमारा ये डिज़ाइन। दो की चैन, ये आगे से रिपीट होगा ऐसे, ठीक है। हमारा ये दूसरी डिब्बी तैयार होगी, बन रही है। देखिए उल्टी तरफ से, इसके ऊपर हमें क्रॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जंजीरी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिज़ाइन देखिए सामने ऐसे सीधे ही आएंगे ये, और उल्टी तरफ से भी ऐसे सीधे दिखेंगे, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करके लास्ट पे तक आके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरा सेकंड बार भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, दो की चैन लेके लास्ट पे पहुँची हूँ मैं। इस तरफ से ये मेरा सामने है, मैं ऐसे डालूँगी लास्ट में, एक दो तीन चार पाँच की चैन लेके इसको मैं लंबा धागा करके छोड़ दूँगी। अब मैं अपना येलो कलर उठाऊँगी जो पहले इस तरफ आ गया था, वो भी हमने चैन लेके छोड़ा हुआ है। अब इस तरफ मैं ये लंबी चैन बनाऊँगी, ये वाली लाइन पूरी करने के बाद हमारी ये लंबी चैन बनती है दूसरी तरफ येलो कलर की। जो भी आप कलर दो ले रहे हैं, एक तरफ से ये बनता आता है येलो कलर, एक तरफ हम इसको चैन बना के वहीं पे ले जाते हैं सामने लंबी चैन के सहारे, क्रॉस करके चैन इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ घुमा के चैन को ले जाते हैं, ठीक है। लंबी चैन करके देखिए मैं छोड़ दूँगी इसको, इस तरफ लेके आनी है हमें चैन। अब मैं फिर अपना ब्राउन कलर ले लूँगी, ब्राउन कलर की हमारी दो लाइनें निकलती हैं, येलो एक बार चैन बनती है, एक बार उस तरफ से बनता आता है डिज़ाइन, ठीक है। पांच चैन ले ली है मैंने, अब देखिएगा कैसे क्रॉस करना है हमें, ऐसे लेके जाना है अंदर सामने से और इसको ऐसे लेके आना है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, जब हम वापस करेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऊपर से ही सामने से ही ऐसे जाएगा। बस आप शुरू में ही देख लीजिएगा कि ये कैसे क्रॉस होगा, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। पांच की चैन ले ली थी मैंने, अब दो की जंजीरी है, ये देखिए अब इस तरफ आएगी चैन, इसके ऊपर नहीं हमारा घूमेगा, इसके पीछे घूमेगा। अब ऐसे बनाएंगे, दो की चैन ऐसे वापस जाएगा ये, अगर हम पीछे से सही बनाएंगे तो सामने अपने आप सही होता आएगा। बस यही डिज़ाइन है हमारा, थोड़ा सा आपको ध्यान दे के देखना है, पहले नहीं समझ आती तो वीडियो पीछे करके भी देखनी पड़ेगी एक बार। बस हमें ऐसे ही ध्यान से डिज़ाइन शुरू करना है, उसके बाद हम अपना कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन को हाउस की शेप देंगे हम, छोटी छोटी खिड़की भी निकालेंगे हम, क्योंकि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, कई बार गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं, घर में कोई नहीं होता, तो हम अपना हाउस तैयार करके साथ में लेके जाएंगे, यात्रा पे जाते हैं तो लेके जाइए साथ में। देखिए मेरा ये डिज़ाइन ऐसे, बस ये हमारी जंजीरी ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए और सामने से इसके ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए स्टफ मैं लास्ट पे आ गई हूँ, दो की चैन ले ली है, जब हम पांच की चैन बनाते हैं देखिए इस तरह से तीसरी चैन में ऐसे डबल क्रोशिया डाल के लास्ट वाला स्टेप हमें ऐसे ख़त्म करना है अपना, एक दो तीन चार पांच की चैन लेके फिर छोड़ दूँगी, ठीक है। अब मैं अपना येलो कलर से काम करूँगी, जैसे मैंने ये बनाए हैं एक के अंदर दो, एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको बढ़ा के दिखाऊँगी। देखिए ये जंजीरी हम यहाँ पे हाथ रख के उसके बाद हम पांच बनाएंगे, सर ये स्टेप मैं अभी कंप्लीट नहीं करूँगी अपना, एक दो तीन चार पांच बना के छोड़ूंगी। अब ये वाला स्टेप
पांच बना के छोड़ दिया। एक मिनट, मेरा ये गलत हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये जंजीर अब ऐसे अंदर लेके आनी है, फिर अपना स्टेप कंप्लीट करना है। तभी मेरा डिज़ाइन सही नहीं आ रहा था इस तरफ। एक दो तीन चार पाँच बना के छोड़ूंगी अब मैं। अब मैं यहाँ से अपनी पांच जंजीरें बना लूँगी। देखिए अब सेट आ गया है। एक दो तीन चार पांच जंजीरें बनानी है मुझे, ऐसे ही बनाना है बस इस तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे दो की चैन, एक बीच में छोड़ के तीसरी पे, फिर दो की चैन, इस तरफ से एक दो तीन छोड़ेंगे, तीसरी पे बनाऊंगी, दो एक छोड़ूंगी, यहाँ पे बनाऊंगी। ये वाला राउंड मेरा ऐसे ही कंप्लीट होगा, जैसे कि तीसरा स्टेप हमारा चल पड़ा है डिज़ाइन का। ठीक है, देखिए मेरे तीसरी बार भी डिज़ाइन बन गया है। अब मैं लास्ट पे हूँ, दो के मैंने चैन ले ली है। अब बाहरी तरफ ऐसे मैं इसको डबल क्रोशिया बना के छोड़ दूँगी। अब जब दोबारा येलो बनाना है तो हमें लंबी चैन करके चैन को इस तरफ लेके आना है, फिर उसके साथ हमें ब्राउन कलर के ऊपर घुमाना है इसको। इसको भी छोड़ देती हूँ। अभी मेरा ये वाला हाथ आएगा, पीछे जाऊँगी, पांच की चैन लेके छोड़ा हुआ है मैंने ये। जो पीछे फंदा है उसको पीछे से बनाना है, जो आगे फंदा है उसको आगे से बनाना है। अब मेरा ये वाला हाथ आएगा, ठीक है, ये आगे है, इसको आगे से बनाऊंगी। ऐसे थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, पीछे का फंदा पीछे कर लीजिएगा, दो की चैन, जो सामने का फंदा है उसको ऐसे सामने ले आइएगा। येलो को नहीं छेड़ना हमें, ब्राउन को ही निकालना है। दो की चैन, येलो को सामने कर देंगे तो बनाएंगे, दो की चैन, येलो को पीछे कर देंगे तो बनाएंगे। ऐसे उठाना है हमें, येलो को नहीं छेड़ना, ये वाला फंदा ऐसे उठाना है बस। हमारा ये जो शुरू से सीधे आ रहे हैं ये सीधे ही आएंगे, इनके अंदर हमारी ये डिब्बी बनेगी, उल्टी तरफ से भी और सामने से भी। उल्टी तरफ हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा और सामने हमारी ये डिब्बी आएगी। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। एक दो तीन है आप मेरे, ये मैं पांच बनाऊंगी अपने, उसके बाद हम बीच में खिड़की निकालेंगे। ये मैं पांच कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब तो मैं ये वाली लाइन इस तरफ लेके जा रही हूँ, फिर जंजीरी बनेगी, क्रॉस वाली आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारी लाइन येलो इस तरफ आ जाएगा और ब्राउन भी मेरा इसी तरफ आ जाएगा। उसके बाद येलो की ये वाली लाइन बनेगी और ब्राउन की ये। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक दो तीन चार पाँच बार रिपीट किया है डिज़ाइन को। अब मैं खिड़की निकालने लगी हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे अब मेरी कौन ये वाली लाइन है। देखिए पांच तो मैंने ये निकाल लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, दस चैन है अब मेरी। ठीक है, ग्यारह बारह चैन कर देती हूँ, इसको मैं छोड़ देती हूँ। ये वाला मुझे पांच चैन मैंने लेके छोड़ा हुआ है। अब ऊपर मैं इसे रखूँगी, ऐसे घुमा के इस तरफ लेके आना है। एक दो चैन, इसको वापस करूँगी, ये वाला बनाएंगे, धागा ऊपर रख के बनाना है। दो चैन, अब इस तरफ लेके आना है मुझे चैन को। एक दो तीन, ये चैन और बड़ी होगी येलो कलर की। एक दो, देखिए सामने से मैं अपनी ये एक खिड़की और ये दो, सिर्फ दो कंप्लीट करूँगी मैं सामने से। एक मिनट, देखिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, ये चैन थोड़ी और बनाएंगे हम। दस की बनाई थी मैंने,
तीन चार पांच की चैन और बना ली है, छोटी रह गई थी हमारी चैन। देखिए ये लाइन हमारी सही नहीं बनी, ये देखिए ऊपर कट हो गई हमारा डिज़ाइन। ये हमें इस तरफ से अंदर लेके जाना है, सामने से पहले ही तो हमारा डिज़ाइन सही चलेगा ऐसे। दो की चैन, देखिए हमें पता लग जाता है जब हमारा गलत होता है, तो हमारा जो ये सीधा है इसके ये कट पड़ जाता है, इसमें इसके ऊपर चैन घूम जाती है तो वो हमारा गलत बन जाता है। ये पांच, देखिए मैंने ऐसे डबल क्रोशिए एक दो तीन चार पांच बनाए हैं, बस मैं पांच तक ही बनाऊंगी, दो तीन चार पांच की चैन लेके इसको छोड़ दूंगी। अब मुझे खिड़की निकालनी है, आगे नहीं बनाना, सिर्फ ये दो पीस बनाने हैं मुझे, एक और ये दो, ये मैं सीधा ऊपर लेके जाऊंगी। देखिए मैंने यहीं पे रोक दिया अपना, ये मेरे एक दो तीन चार पांच डबल क्रोशिए, सिर्फ दो पोर्शन बनाएंगे हम अपने डिज़ाइन का। देखिए इसमें पांच चैन लेके मैंने छोड़ दिया, अब मुझे ये जंजीरी यहीं पे छोड़ना है, येल्लो काम करना है मुझे, उसी बनाना हमें उसी तरह है। यहाँ पे हाथ रख के हमारी पांच की चैन आनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच, ऐसे ऊपर रखेंगे उसी तरह बनाएंगे, डिज़ाइन हमें उसी तरह बनाना है, बस हम कट मैंने कट डाल लिया है, एक छोड़ के इसमें बनाऊंगे। ये दो की चैन ऐसे खींच के इस तरफ बनाएंगे, दो की चैन एक छोड़ के इसमें बनाऊंगे, दो की चैन अब मैं बाहर की तरफ बनाऊंगी, एक दो तीन चार छोड़ के चार चाय बना के छोड़ दिया। अब मुझे ये वाला ब्राउन कलर बनाना है, बनाना हमें उसी तरह है। देखिए पांच की चैन लेके मैंने इसको छोड़ा था यहीं पे, ऊपर धागा है, अभी पहले पीछे से बनाऊंगी, दो की चैन इसको ऐसे पीछे करके ऐसे सामने से बनाऊंगी, दो की चैन ये पीछे जाएगा, जब पीछे जाता है तो ऐसे पीछे निकाल लेंगे, जब आगे आएंगे तो ऐसे आगे से उठा लेंगे। देखिए मैंने यहीं से मोड़ लिया अपने काम को, ये आगे हमारी खिड़की निकल जाएगी। ठीक है, अब एक दो तीन चार पांच की चैन लेके छोड़ दूंगी मैं इसको, अब मैं येलो से काम करूंगी अपना। चार की चैन ली हमने, पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह करके हम इसको छोड़ देंगे लंबा करके। ठीक है, इसे घुमा के लाना है पीछे से ऐसे सामने। दो की चैन वापस, देखिए हमारा फिर गलत हो गया, ये हमें पांच की चैन चाहिए, हम हर बार पीछे से घुमा लेते हैं पहले वो गलत हो जाता है, ऐसे सामने से ऐसे घुमाना है हमें। दो की चैन ऐसे आएगा अभी, दो की चैन अभी पीछे जाएगी चैन, ऐसे बन जाएगा, इसको आगे लेके आएंगे।
एक दो तीन चार पाँच की चैन करके छोड़ दूँगी। अब ये वाला देखिए हमारी चैन पूरी है, ये देखिए सामने हमारा वही डिज़ाइन है। अब मैं येलो से बनाऊँगी अपना डिज़ाइन, इसको छोड़ दूँगी। येलो से हमारा वैसे ही डिज़ाइन बनेगा। दो की चैन, दो की चैन, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने दो डिब्बी बना ली है। ठीक है, अब मुझे आगे बनाना है। इसको मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, पांच चैन लेके मैंने ये छोड़ दिया और पांच लेके ये छोड़ दिया। अब मैं ये दो स्टेप छोड़ूंगी अपने। अब तीसरे स्टेप पे मुझे यहाँ पे अपना धागा बांधना है। बीच में मेरे दो स्टेप छूट जाएंगे, यहाँ पे मैं अपने दोनों कलर बांधूँगी, ये ब्राउन भी और येल्लो भी। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने दोनों ही कलर ले लिए हैं, एक कलर को अंदर किया है, एक मेरा बाहरी है। ऐसे नोट लगाऊंगी, दोनों को पकड़ के अच्छे से खींच दूंगी। यहाँ पे मुझे अपने दोनों कलर चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये वाली ब्राउन कलर इस तरफ लेके गए थे हम, देखिए पहले तो मैं दोनों की चेन बनानी है मुझे, ऐसे अंदर लेके आऊँगी येलो धागा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। ठीक है, पंद्रह की चैन बना के छोड़ दिया मैंने इसको। अब मुझे अपना ब्राउन कलर से काम शुरू करना है। ये धागे ऐसे अंदर आ जाएंगे, तीन चार पाँच की चैन लेनी है मुझे। ठीक है, देखिए सेम उसके ऊपर ऐसे ही करना है मुझे। अब ये मेरा पीछे से क्रॉस होगा डिज़ाइन, अगर ऊपर से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ऐसे। सामने से क्रॉस होगा ऐसे, एक मिनट। ये मैं बीच वाली खिड़की का हिस्सा बना रही हूँ, दो की चैन। इसको फिर ऐसे वापस लेके आएंगे। डिज़ाइन हमें सेम बनाना है, बस हमें बीच में अपने दो पॉइंट छोड़ दिए हैं। ये भी हमें बीच वाली दो डिब्बी बनानी है। हमारे पांच डबल क्रोशिया आएंगे, एक दो तीन चार और ये पांचवा धागा। येलो कलर की आगे पीछे करनी है हमें जंजीरी। डिज़ाइन तो हम सेम ही बनाएंगे जैसे हम शुरू से बना रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, मैंने ये बीच वाले पांच डबल क्रोशिया उठा लिए हैं, ये एक ये वाला, दो तीन चार और ये पांच। अब ये बीच में ये डिज़ाइन बनेगा बस। देखिए ये जंजीरी पांच चाहिए मुझे इस तरफ, दो और ले लेती हूँ। अब येलो कलर जब हम जंजीरी इस तरफ लेके आते हैं, दोबारा हम येलो कलर से अपना डिज़ाइन ऐसे शुरू करते हैं। दो की चैन एक बीच में स्किप करेंगे, आगे जाके फिर बना लेंगे दो की चैन। अब हम तीन स्किप करेंगे, एक दो और ये एक इसके पीछे आ जाता है हमारा ब्राउन कलर के। दोनों एक तरफ से धागा ऊपर रख के करेंगे, एक दो, एक छोड़ के यहाँ पे करेंगे, एक दो। देखिए डिज़ाइन हमारा सेम वही चल रहा है। ठीक है, जो हमारा शुरू से चल रहा था, एक दो तीन चार पाँच की लेके इसको छोड़ देंगे। अब ब्राउन कलर है इस तरफ, ब्राउन कलर लेके आऊँगी। सेम मैं इसी तरह ये दो डिब्बी यहाँ पे बीच में डालूँगी, जैसे दो डिब्बी मैंने यहाँ पे डाली है इसी तरह दो डिब्बी मेरी यहाँ पे बनेगी। अगर मैं पांच की मैंने चैन ली हुई है,
अब एक तो पीछे से बनेगा, सेम डिज़ाइन वही बनेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ हमें चैन लेनी है। हमारा ये डिज़ाइन गड़बड़ाना नहीं चाहिए, सेम उसी तरह बनेगा डिज़ाइन हमारा जैसे हम शुरू से बना रहे हैं। ये मैंने सामने से बनाना है इसे, तो इसको ऐसे उठाऊंगी सामने से। तीन देखिए हमारे एकदम सीध में आना चाहिए, ये भी और ये भी और ये, हमारे तीन पॉइंट आएंगे सीध में। जो हमारे ये धागा होगा हम इसको अंदर छुपा देंगे ऐसे क्रोशे से। एक मिनट सेट करके दिखा। देखिए मैंने क्रोशे की मदद से इसको पीछे कर दिया है और ये मैंने डबल क्रोशे थोड़ा लंबा करके डाल लिया ताकि हमारा ये डिज़ाइन सेम रहेगा। अब येलो कलर की सिलाई डालनी है मुझे, जंजीरी बनानी है। देखिए सेम इसी तरह दो डिब्बी हो गई, यहाँ पे मैंने दो डिब्बी ऊपर बनाई है, एक डिब्बी और इसके ऊपर बना के फिर दिखाती हूँ। फिर हम अपना धागा एक दो डिब्बी छोड़ के यहाँ पे बांध लेंगे। सेम दो डिब्बियाँ मैं यहाँ पे बनाऊँगी जैसे मैंने ये शुरू में बनाई है। देखिए फ्रेंड्स मेरी दूसरी खिड़की भी कम्प्लीट हो गई है, सॉरी खिड़की के बीच वाला पोर्शन कम्प्लीट हुआ है, खिड़की तो हमारी यहाँ पर बनेगी। एक ये दो पीस छोड़ के यहाँ पे धागा बांध के सेम यही डिज़ाइन में यहाँ पे रिपीट करूँगी। अब देखिए मुझे ये अपना येलो कलर तो कट कर देना है, मुझे बढ़ाना नहीं है इसको, ऊपर से एक चैन लेके इसको मैं कट कर दूँगी, फिर मैं इसको क्रोशे की मदद से अंदर छुपा दूँगी। ठीक है, अब रह गया मेरे पास ब्राउन कलर। ब्राउन कलर से देखिए मैं जंजीरी बनाऊँगी, एक मैंने बना ली है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, जितनी जंजीरी हमारी ये वाली आती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, एक और बनेगी, ग्यारह जंजीरी हैं। ग्यारह जंजीरी बना के मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँगी, ऐसे जोड़ दूँगी। एक बार ऐसे खोल के देख लीजिएगा, एकदम हमारी सही आनी चाहिए ऊपर शेप। ठीक है, ये हमारी इस तरफ आके ज्वाइन हो गई है। अब मैं एक जंजीरी लेके, एक लीजिएगा दो ले लीजिएगा, पीछे इसको छुपा देंगे, कट कर दूँगे धागे को। ठीक है, अब सेम जो दो धागे हैं मैं एक डिब्बी छोड़ूंगी, दो छोड़ूंगी, यहाँ पे बांध लूँगी अपना धागा, उसी तरह बांधूंगी जैसे पिछली भी मैंने बांधा था। देखिए ये धागे मेरे यहीं पे हैं, मैंने छोटा गोला बना लिया अपना। एक अंदर से घुमा लिया मैंने, एक बाहर ये मेरा धागा, अच्छे से नोट लगा के अब सेम यही वाला डिज़ाइन मैं दो डिब्बियाँ यहाँ पे डाल दूंगी, तो मेरी दो खिड़कियाँ बीच में आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं देखिए ब्राउन कलर से, फिर हमारा सामने येलो दिखता है कलर, ये ब्राउन वाला है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है पाँच बना के छोड़ देती हूँ। अब मैं येलो कलर से येलो पीछे से ले लूँगी, थोड़ा सा ऐसी लूप उठा लूँगी, इसकी मैं जंजीरी बनाऊँगी। ये मेरा जंजीरी वाला डिज़ाइन चल रहा है अभी, बस आप सेम थोड़ा सा हमें खिड़कियों में ध्यान रखना पड़ता है, शुरू में डिज़ाइन समझना पड़ता है, बस उसके बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलता है। बस आप एक ध्यान रखिएगा, थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, पीछे से हमारी ये लाइनें सीधी आनी चाहिए, आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। सामने से हमारी ये डिब्बी वाली लाइनें सीधी आनी चाहिए तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, देखिए अब मैं सेम डिज़ाइन यहाँ पर शुरू किया है, ये पीछे जाएगा धागा, सॉरी जंजीरी, दो की चैन इस तरफ से वापस आएगा, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कौन सा हाथ है हमारा डिज़ाइन वाला। डिज़ाइन बहुत आसान है, सेम दो डिब्बियाँ में इस तरफ बना लूँगी अपनी।
जो हमारा शुरू से डिज़ाइन है, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए अब ये दो डिब्बियाँ मेरी इस तरफ आ गई। ओके, मैं इसको भी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला पोर्शन भी तैयार हो गया है, दो खिड़कियाँ मेरी आराम से निकल आई हैं। अब देखिए मैंने 11 की चैन ले ली है उसी तरह जैसे मैंने इस तरफ ली थी, इसको मैं यहाँ पे आके ऐसे जोड़ दूँगी, दो चैन लेके कट कर देंगे, क्रोशिया की मदद से अंदर छुपाएंगे। ठीक है, देखिए हमारी दो खिड़कियाँ निकल आई हैं, जो धागे हमारे इस तरफ डिज़ाइन हमने छोड़ा था वो वैसे ही है। अब सेम हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे अपना, इसके ऊपर सेम ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर भी हम ऐसे डिज़ाइन रिपीट करेंगे, ये वाली लाइन हमारी ऊपर आ जाएगी ऐसे। एक बार शुरू करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह से डिज़ाइन शुरू करने लगी हूँ। इस येलो कलर की चैन तो मैंने बना ली है, डिज़ाइन तो हमारा सेम ही बनेगा। इसे पीछे करके पांच की चैन लेके शुरू किया है मैंने उसी तरह। ये उसी तरह बनाना है हमें सेम। अब हमारी ये खिड़की वाला पोर्शन आ जाएगा, इसका भी हिसाब दिखाती हूँ मैं आपको कैसे रखा है मैंने। ये तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, दो की चैन धागा ऐसे जंजीरी पीछे करूँगी। हमें बीच वाले अपने, ये तो दो हैं हमारे, एक दो तीन, तीन हमें डबल क्रोशी बीच में बनाने हैं। तो देखिए ऐसे ऊपर रखेंगे, एक दो तीसरी लूप में उठाएंगे इसे, ऐसे बना लेंगे डबल क्रोशिया। दो की चैन लूँगी, वापस इस तरफ ले आऊँगी, एक दो तीसरी में मैं फिर बना लूँगी। दो की चैन वापस पीछे कर दूँगी, इस तरफ से फिर बना लूँगी तीसरी में। आप हिसाब रख लीजिएगा देख के थोड़ा सा। दो की चैन वापस आ गई, अब हमें ये मिल गया, देखिए नीचे वाला डिज़ाइन हमें वापस मिल गया। अब सेम इसके ऊपर बनाना है हमें ऐसे, तो हमारा डिज़ाइन ये शुरू हो गया, ऊपर से जुड़ गया। पीछे करेंगे, जो मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह बताना करना है। ये हमारा इसके ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चलेगा। देखिए हमारा डिज़ाइन जुड़ गया है, सेम हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बढ़िया बनेगा एकदम से। दो की चैन अब यहाँ पे पहुँच गई मैं खिड़की के ऊपर, एक दो इस तरफ से तीसरे में डालेंगे, सॉरी धागा ऊपर रखना है। दो की चैन जंजीरी को आगे करूँगे, एक दो तीसरे में डाल लेंगे हिसाब का देख के, आगे भी हमें चैन चाहिए अपनी पूरी। एक दो चैन ऐसे धागा पीछे करूँगी, एक दो धागा आगे आएगा। देखिए मैं इसके ऊपर पहुँच गई हूँ, दूसरी खिड़की का जो हमने निकाली है। अब सेम हमारा डिज़ाइन वैसे ही चलेगा। देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया शुरू से लेके ऊपर खिड़की तक जोड़ने के लिए। अब ऊपर मैं दो अपने डिज़ाइन इसी तरह कंप्लीट करूँगी, दो डिब्बियाँ बनाऊँगी, सॉरी तीन डिब्बियाँ बनेगी मेरी ऊपर की तरफ, तो हमारी ये खिड़की बन जाएगी। देखिए शुरू से लेके लास्ट तक हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही आया है, पांच की चैन लेके छोड़ना है हमें। ये जो जितने धागे हमारे हैं क्रोशिया की मदद से हम इनको अंदर छुपा के फिर कट कर देंगे, जैसे मैंने पहली सिलाई निकाली थी सेम वैसे ही हमारा ऊपर जुड़ गया। ये डिब्बी के ऊपर डिब्बी आनी चाहिए हमारी, ये डिब्बियाँ बीच में दो हैं, ये भी दो हैं, सेम इसी तरह। ठीक है, मैं इसकी दो ऊपर सिलाइयाँ ऐसे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो ऊपर हाथ फेरने के बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, गोपाल जी की हाउस की एक तरफ की दीवार कंप्लीट हो जाएगी,
ऐसी हमें दो दीवारें चाहिए। देखिए खिड़की के बाद मैंने एक दो बार डिज़ाइन अपना रिपीट किया है। देखिए ये मैंने आपको बना के दिखाया है, ऐसी मुझे दो पीस चाहिए, ठीक है, सेम बराबर पीस चाहिए मुझे दो। ओके देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैं दोनों को ऐसे एक चैन लेके कट कर दूंगी, इसी क्रोशे की मदद से अंदर ऐसे छुपा देंगे। देखिए मुझे ऐसे दो पीस चाहिए, हमारे गोपाल जी का हम हाउस बनाएंगे। दो दीवार हैं ऐसी, एक ये वाली और एक पीस ये तैयार किया है मैंने, ठीक है। देखिए फंदे इसमें सेम है, थोड़ा हाथ का फर्क पड़ गया, एक तरफ ये आ जाएगा एक तरफ ये दो पीस हमें तैयार करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें नीचे का पीस तैयार करना है, ये मैं ब्राउन कलर से तैयार करूँगी। जितने हमारे घर की नीचे की चौड़ाई होगी उस हिसाब से ये पीस तैयार होगा। 41 चैन लेके दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे नीचे हाउस की चौड़ाई है उसमें चैन 41 की आएगी। मैं आपको माप लेना भी बता दूँगी कैसे माप लिया है मैंने। देखिए इसी तरह मुझे 41 चैन लेके बिल्कुल सिंपल बनाना है ये पीस मुझे, ऐसे इस तरफ से ऐसे तीसरी चैन में वापस करके बिल्कुल सिंपल तैयार करना है। एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में और फिर आगे वाली चैन में इसी तरह मुझे ये बड़ा कर लेना है। दिखाती हूँ मैं आपको ये कंप्लीट करके, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 38 क्रोशिया आए हैं मेरे इस तरह। अब मैं तीन की चैन लेके जितने क्रोशिए हैं उनके ऊपर उसी तरह मैं रिपीट करूँगी। ये बिल्कुल सिंपल हम पीस तैयार करेंगे। इसी तरह हमें तीन की चैन लेके वापस होना है दोनों तरफ से और बिल्कुल सिंपल अपना डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाना है। मैं ये पीस आपको बड़ा करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। जितने हमारे हाउस की नीचे से चौड़ाई होगी उस हिसाब से ये पीस तैयार होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 11 बार रिपीट कर लिया है डिज़ाइन को, ये एक ऐसा सिंपल पीस बन के तैयार हो गया है। दो मैंने ये बनाए हैं साइड की दीवार के लिए और ये नीचे का पीस है। एक मिनट दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे एक चॉकलेट का डिब्बा लिया है, बड़ा डिब्बा है ये। सामने से मैंने इसको कट कर दिया, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी, अब मेरे पास ये 7 इंच का बचा है, ठीक है, 7 इंच का बचा है। और इसकी इस तरफ से चौड़ाई देखिए 4.5 है। इस हिसाब से मैंने आपको ये वाले दो पीस बना के बनाना बताए हैं। ये देखिए, एक इस तरफ दीवार आ जाएगी और जो दूसरा पीस है वो इस तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये साइड में हमारा डिज़ाइन बन जाएगा और नीचे के लिए मैंने ये वाला पीस तैयार किया है ऐसे, और ये दोनों साइड के लिए हैं। देखिए मैंने खिड़की निशान लगा के कट कर ली है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हैं। उस हिसाब से मैंने आपको ये बुनना बताया है, जब हम खिड़की खोलेंगे तो ऐसे बीचों बीच आ जाएगी खिड़की। मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ से, आपको दिखाने के लिए रखी थी मैंने। देखिए थोड़ा ऐसे अंदर झुक सी रहा था तो मैंने इसके अंदर अलग से सर्फ एक्सल का जो डिब्बा है काफ़ी हार्ड होता है वो कट करके ऐसे लंबा चिपका दिया है, और उसकी जो साइड में कट पीस आए हैं ऐसे साफ इस तरफ मोड़ के मैंने उसको पिन लगा दिया है। ये मेरी 4 खिड़कियाँ बन गई हैं। चाहे आप इसको अंदर से ओपन कर लीजिए, ऐसे अंदर की तरफ भी हो जाएंगी। मैं इनको कट करके अलग कर दूंगी, ठीक है। देखिए ये वाला पीस मैंने आपको बनाना बताया है, ऐसे हमारी बिल्कुल एकदम सही शेप आई है, खिड़कियों के सामने आई है। ये पोर्शन नीचे आएगा ऐसे सिलने में और ये वाली दीवार दूसरी साइड आ जाएगी। अब मेरा रह गया है पीछे का पोर्शन और सामने का पोर्शन और ऊपर की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। मैंने आपको 3 पीस बताए हैं। देखिए 3 नंबर गोपाल जी इसमें आराम से आ जाएंगे। अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं, पहले ही आप अंदर छोटा सा बेड तैयार किया है मैंने क्रोशे का, वो रख के दिखाऊंगी आपको, उस हिसाब से आप अंदर अपने गोपाल जी को रख के देखिएगा, वो वाला आप डिब्बा लीजिएगा, उस हिसाब से हम अपना हाउस बनाएंगे। अंदर से भी हम इस हाउस के अंदर जो कलर शीट आती हैं
फ्लावर वाली किसी भी कलर की वो अंदर चिपकाएंगे, बड़ा सुंदर बना लेंगे इसको। ये मैंने आपको 3 पीस ऐसे रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग से और पीस बनाना बताऊंगी। इसकी छत रह गई है, बैक साइड और सामने की साइड, और डेकोरेशन के लिए हम अलग से सामान बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आपसे। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बताइएगा आपको समझ में ठीक से आ गया तो मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये घर को अंदर से डेकोरेट करने के लिए ये मैंने शीट ली है। इसको ऐसी लंबाई चौड़ाई माप के अंदर चिपकाऊंगी मैं गम के साथ, और बाद में उसको कटर के साथ ऐसे कट कर दूंगी बाहर से। आपको बाद में कट करके दिखाऊंगी। मैं ये अंदर ऐसे गम लगा के पूरा अंदर चिपका दूंगी, ठीक है। इतना काम कर लेती हूँ, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।